নির্বাচন নিয়ে রাজ্য ভর চলছে জল্পনা। কবে হবে পুনর্ভোট বা কত বুথে হবে ভোট, এ নিয়ে মুখ খুলেছেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক শ্রীরাম তারানিকান্ত। বৃহস্পতিবার তিনি জানিয়েছেন, পশ্চিম আসনে রিটার্নিং অফিসার এবং স্পেশাল অবজারভার দুজনই নির্বাচন কমিশনকে তাদের রিপোর্ট দেবেন খুব শীঘ্রই। পশ্চিম আসনে সব অবজারভার এবং স্পেশাল অবজারভার বৃহস্পতিবারও বৈঠক করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, তাদের দুজনের রিপোর্ট পাওয়ার পরই সিদ্ধান্ত নেবে নির্বাচন কমিশন। তবে কবে ঘোষণা হবে তা নিয়ে কিছুই জানাননি শ্রীরাম তারানিকান্ত। তিনি বলেছেন, অযথা চাপ বাড়াতে চান না তিনি। जानते हैं जैसे कि पिछले बार भी आपने बहुत बार मेरे को क्वेश्चन भी पूछा था, क्यों रिपोल है, क्यों नहीं रिपोल है, तो उसके बारे में भी मैंने उस समय भी बोला, आप सब ठीक ठाक चल रहा है, क्यों रिपोल किया। आपने वो भी पूछा है मेरे से पिछले बार, क्यों रिपोल हो गया, चार रिपोल किया था। तो इसका एक प्रक्रिया होता है, वो प्रक्रिया के अनुसार ही एक प्रोसेस के अनुसार होता है, और ये प्रोसेस का अल्टीमेट अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन का है। और हम लोग जो भी दे रहे हैं यहाँ से, हम लोग अपना जो एक्चुअल पोजीशन देखते हैं, बिकॉज इसमें वो अनुभव तो वहीं पे है। इलेक्शन का अनाउंस भी इलेक्शन कमीशन करता है, इलेक्शन का जो भी है शेड्यूल भी वही अनाउंस करता है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि हमारा रोल नहीं है। जरूर हमारा रोल है और इम्पोर्टेंट रोल भी है, ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट रोल नहीं है। वी विल गिव द फुल फैक्चुअल पोजीशन जो भी है हम लोग देते हैं। कभी कभी हम लोग का पहली बार देने से संतुष्टि भी नहीं होता है, तो दो तीन क्लैरिफिकेशन भी मांगते रहते हैं, उसी के आधार पर हम लोग। Pure Report, Channel Din Rat.